ओहो, 1 रुपी कॉइन। शायद आपने हमें पब्लिक पीस जो समझ रखा है। But I'm sorry, the pony dead. चुप। आज तो जाना ना फैसला होके रहेगा कि थारी और मारी शादी होगी कि ना होगी। अरे हम खुद ही बोल रहे हैं नहीं होगी। जी नहीं बोलने वाला ना तू कौन हो रहा है ना तू कौन हो कौन रहा तू? अरे फैसला करेगा यो सिक्का। नहीं मैं इसे उछालूंगी और जो हेड्स आया तो तू मारे से शादी करेगा और जो टेल्स आया तो मैं थारे से शादी करूंगी। ओके क्लियर? एक मिनट मिस्टर लाला, शायद आपको हम चंपू प्रकाश चतुर्वेदी दिखते होंगे लेकिन हम है नहीं, आई एम स्मार्ट। जी हाँ ठीक है, अगर हेड आया तो आप हमसे शादी कर लीजिए लेकिन अगर टेल जाए तो फिर हम आपसे शादी करेंगे। बोल दिया हमने, बस देखिए आप बोल दिया हम आपसे शादी करेंगे, मंजूर है? इट इज अ डील। या 50-50। अरे टेल टेल टेल, हम जीत गए। अरे तू जीत गया, कांग्रेचुलेशन। तो इब तो तुम्हारे से शादी करेगा तो डेट कब की फिक्स कराऊं? आई थिंक वेडनेसडे इज अ गुड डे। हम आपसे शादी तो करेंगे, शादी तो करेंगे लेकिन 2050 में। दिल जले। अरे जाएंगे तो हम क्योंकि हम कोई काम कच्चा नहीं करते। अबे जाएंगे हम क्योंकि हम भी उसूल के पक्के हैं। आए अमर अकबर एंथनी, न थिएटर से निकलकर यहीं आके रुके ओके? रेलवे स्टेशन हो रही हो, पुलिस स्टेशन में हिम्मत कैसे हुई थारी सिटी मारने की? साहब जी हम वॉचमैन है, सिटी बजाना हमारा आदत है। तो हम भी पुलिसमैन है ना, हमें भी रेप्टा मारने का आदत है ना। तू इन दोनों ने धर के लाया या यो दोनों तैने पकड़ के लाए? साहब जी ये दोनों आलिंगन में रहता है। कहाँ रहते? नहीं मतलब आलिंगन सोसाइटी में अगल बगल में रहता है। अब कोई आदमी इन दोनों के दरवाजे पे ये लेटर इस तरह से छोड़ के गया कि पता नहीं चल रहा है कि किसके दरवाजे पे लेटर छोड़ा है। अबे ओए, लेटर पे जिसका नाम लिखा होगा लेटर उसी का होगा ना, नॉनसेंस। अरे वही तो समस्या है, लेटर पे लिखा है प्यारे जी। हाँ तो हम हैं प्यारे जी, प्यारे गुलाटी। अरे तो हम भी किसी प्यारे जी से कम नहीं है, हमारा नाम है प्यारे गहलोत। गेट लॉस्ट, शट अप। इसलिए वो लेटर हमारा है। अगर ये दोनों है प्यारे जी तो किसका है ये लेटर? मैडम क्यों ना हम पढ़े लेटर का मैटर। भाई 125 किलो का जो है ना बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ, छोरी सियाणी हो गई है। माय डियर प्यारे जी, मुझसे दोस्ती करेंगे? हाँ ए। मैं तो कब से आपसे दोस्ती करने को मरी जा रही हूँ। नहीं नहीं थोड़ी देर जिंदा रहो, हम हैं। एक मिनट, वेट वेट। सोचिए अंधेरी रात होगी, तारों की बारात होगी, हवा सनन सनन साए साए चल रही होगी, हम दोनों के दिल की धड़कन धनन धनन धाए धाए बढ़ रही होगी, कल मिलने चंपा की चुनरी मैदान में जरूर आना। मैडम यह लेटर मेरे लिए है, हम है प्यारे जी प्यारे गुलाटी। अरे तो हम क्या है? मैडम इसकी बचपन से बीच में बोलने की आदत है। अरे हम है प्यारे गहलोत। गेट लॉस्ट, शट अप। साहब जी देखा ये दोनों बहुत झगड़ा करता है, इसके लिए सोसाइटी वालों ने मेरे को बोला कि मैं इन दोनों के खिलाफ FIR लिखवा दूं। भाई सिंस दिस इज क्रिकेट सीजन है तो हमें करेंगे मैच। मैच में ये होगा ना, तू करेगा बॉलिंग बिकॉज योर फेस इज गोल, और तू करेगा बैटिंग। जो तैने नहीं से हरा दिया इसे आउट कर दिया तो तू जाएगा छोरी से मिलने, और जो तैने चौका मार दिया तो छोरी से मिलने तू जाएगा। सो इज दिस क्लियर? आर यू रेडी? यस। ई बजा सिटी। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओ आदि मानव, ना खुजलाना बंद कर, बॉलिंग कर चल। अरे भाई ऐसा ना, बिकॉज ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट भाई मैं इसमें बना रही हूँ थर्ड एम्पायर। अब यो चूज करेगा और जिसे यो चूज करेगा वही जाएगा छोरी को मिलने। प्लीज डिसाइड।
ओ मैडम मेरा बाजू टूट गया, लेकिन फिर भी ये गुलाटी साहब अच्छा है, मेरे को होली दिवाली पे बाजू में ले जाके बाजू में ले जाके क्या वो बॉक्सेस देता है, तो मौका इनको मिलना चाहिए। All right, well then, you're the lucky man who's going for a blind date. Congratulations, my friend, you're the Thanks. winner. Yeah, you can go yeah. for the blind, yeah! Madam, bus. मैडम यहाँ पर ये है तो आप मुझे क्यों मार रही है, इसको मारिए ना भाई। I want life size action. मैडम ओह तुम दोनों फिर आ गए, अरे इस बार फिर ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कोई और लव लेटर आ गया क्या? नहीं नहीं, हम तो मैडम से ये कहने आए हैं कि भाई हम कुर्बानी देने को तैयार है, ये गहलोत ब्लाइंड डेट पे जा सकते हैं। वो जा सकता है या नहीं जा सकता वो बात की बात है, पहले तुम बताओ तुम वहां गए थे या नहीं गए थे? हम कोई काम कच्चा नहीं करते, हम गए थे। भाई यो सडन हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भाई? देखिए मैडम बात दरअसल ये है कि हम जब लड़की को मिलने गए तो हमने सोचा कि गहलोत हमारा पड़ोसी है, अब अड़ोस पड़ोस में इतना स्वार्थ अच्छा नहीं है, लड़कियां तो क्या आनी जानी है, हम दोनों को तो अपनी सारी जिंदगी आलिंगन में बितानी है, मतलब आलिंगन सोसाइटी में बितानी है, इसलिए। हाँ तो फिर यहाँ क्यों आ गए? हम कब से गहलोत को समझा रहे हैं कि भाई तुम ब्लाइंड डेट पे चले जाओ, हम कुर्बानी देने को तैयार है, पर यह है कि मैडम के डर की वजह से मानने को तैयार ही नहीं है। मैडम हम भी उसूल के पक्के हैं, हमने सोचा कि ये केस आपके पास है इसलिए आपकी इजाजत लेना जरूरी है। एक मिनट जरा इधर आइए। हाँ बिल्कुल, इजाजत है। ये क्या था? इजाजत। ओह माय गॉड, निकला निकला निकला, अजीब तरीका है। अरे यार तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? देख मैंने कह दिया सो कह दिया, तू उस लड़के से दोस्ती करेगा बस। नहीं नहीं नहीं, तू करेगा उससे दोस्ती। अरे समझे समझे, अरे ईप क्यों हो गया ना, फिर क्यों लड़ रहे हैं ये दोनों? मैडम हम कोई काम कच्चा नहीं करते, अगर हमने गहलोत के लिए कुर्बानी दी तो दी, अब ये कह रहे हैं कि ये उस लड़की से दोस्ती नहीं करेंगे। मैडम हम भी उसूल के पक्के हैं, अगर गुलाटी कुर्बानी दे सकता है तो मैं भी बलिदान दे सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों आलिंगन में रहते हैं। मेरा मतलब है आलिंगन सोसाइटी में रहते हैं। समझी, 3 घंटे से यही झगड़ा चल रहा है भाई। गुलगुले नाइस कुर्बानी टैप सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक भुजड़ भुजाड़ू क्रिकेट की झाड़ू आइडिया आ रहा है। मैडम क्यों ना एक बार फिर इन दोनों पर हम क्रिकेट की ही झाड़ू मार दें? तू तू हमारी स्वागरात में, नहीं नहीं मैडम वहां पर सर रहेंगे तो, तू हमारी स्वागरात में नाइट लैंप का फ्यूज बल्ब चेंज करेगा तू? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स भाई, इफ डिसाइड हो गया, इफ अगेन देयर विल बी अ मैच। ओए गुलाटी मार, ओ गहलोत कम ऑन, गहलोत गहलोत गहलोत, मेरा टांग टूट गया। ओहो भाई तू उफ भाई, थारे संग ट्रेजेडी हर बार हो जावे भाई। कोई बात ना भाई, इसने अपनी जो है टांग की जो है कुर्बानी दी है, तो इब यो ही डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कुर्बानी कौन देगा और छोरी से दोस्ती कौन करेगा। ओके यू आर द मैन ऑफ द मैच। साहब जी अब मेरा टांग टूटी है तो मेरे को लगता है ये गहलोत को और दोस्ती करने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि हर दिवाली और होली में जब भी मैंने बॉक्सेस मांगा है इसने मेरे को टांग दिया है। चल भाई डिसाइडेड, छोरी से दोस्ती करेगा तू।
मैडम हम भी उसूल के पक्के हैं, हम नहीं मानेंगे। तुम मैडम को ना बोल रहे हो? तेरी रिलैक्स, ज्यादा एक्साइट होने की कोई जरूरत ना है भाई। मैं तो यो सोच के व्याकुल हो रही हूँ कि भाई जिस छोरी के लिए यो दोनों छोरे कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसी कौन सी जीना तमान हो रही। बुलाओ उस छोरी ने। यारी नाम है मेरा। हाँ तो भाई यारी, भाई ऐसा क्या कर दिया तैने जो यो दो छोरे थारे से यारी करना ना चाह रहे, और तैने इन्हें इनविटेशन भेजा। क्यों भाई? तुम्हें क्या करती मैडम? यू नो मैं अकेली हूँ, एकदम अकेली। इतनी अकेली कि आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्ती की भूखी हूँ मैं, और अगर मैंने थोड़ी सी दोस्ती इन लोगों से मांगी तो क्या गुनाह किया? बोलिए, बताइए मैडम, क्या गुनाह किया मैंने? क्या चाहते हैं आप लोग? कि यारी को इस जन्म में किसी की यारी नसीब ना हो, यही चाहते हैं आप? बोलिए ना, बताइए प्यारे जी, बताइए ना, मैंने आपसे दोस्ती के सिवाय कुछ मांगा? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। और आप बोलिए, मैंने आपसे दोस्ती के सिवाय कुछ और मांगा? बोलिए, बताइए मैडम को, बताइए ना। हाँ हाँ बोलो, इस बेचारी दुखियारी ने तुमसे कुछ मांगा? एक मिनट, मामला क्या है? मन ने साफ दिखे भाई, अब ना इस छोरी ने तो इनसे यारी के अलावा कुछ मांगा ना है, पर ना इन दो छोरों ने इससे यारी के अलावा भी घना कुछ मांग रखा। What? जिसके लिए इसने इनकार कर दिया है। बाल को इन दोनों ने उठा के लाकर में डाल दो। और तू भाई यारी, तू टेंशन ना ले, मैं गारंटी दे रही हूँ एक ना एक दिन कोई जरूर आएगा जो थारे से यारी करेगा। थैंक यू, यू आर सो स्वीट, सो स्वीट। रे लेके जाओ इन्हें। चलो ए, लॉकअप में चलो। What? मैडम, ओके, बाय बाय। मैडम, मैडम उस यारी की बातें सुनकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैडम मैं बचपन में इतना मोटा था कि कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैडम मैं एक दोस्त के लिए तरस गया था। मैडम मुझे भी एक यार चाहिए था, मुझे यारी चाहिए थी, यारी। हाँ जी जी मम्मी जी, हमें यारी की हेल्प करनी चाहिए। नहीं, यारी तो है किस्मत की मारी, आप ही हर सकती है विपदा सारी। ओके बाय। तू मैडम आप अभी भी सुहागरात की बात क्या कर रही हैं? सुहागरात की बात कतई ना कर रही मैं। अरे मैं यो कह रही हूँ कि तैने यारी चाहिए ना, यारी की चाहत से ना तन्ने, तो तू यारी से यारी कर ले। सच मैडम? भाई मैं तन्ने क्लीन चिट दे रही हूँ, आज रात थारी नाइट ड्यूटी से तू उसने बुला ले फोन करके, और फिर जो है ना जय बीरू बनो, गाने गाओ, बातें करो, जो चाहे करो, चलो जाओ। तुम आ गई यारी। हाँ मुझे तो आना ही था, लेकिन तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? ये कहने के लिए मेरी यारी कि भूल जाओ सारी दुनियादारी, मैं करूंगा तुमसे यारी, क्या तुम करोगी मुझसे यारी? अरे क्योंकि तुम जैसे दिलदार से करने को यारी न जाने मैं कब से कर रही थी तैयारी। तो आओ झूमे नाचे गाएं और हमारी यारी को यादगार बनाएं।
क्या मजाक है? मजाक? Come on, जानू। तुम कौन हो? मैं इसका जानू और ये मेरी जानू। जो कुछ भी लफड़ा यहाँ चल रहा था ना, वो सब कुछ मैं इस कैमरे में कैद किया हुआ। हाँ तो बच्चों, कल ये जब न्यूज में ये वीडियो दिखाया जाएगा ना, तब तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। और फिर अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम दोनों लोग चाहेंगे। अब भाई, पुलिस वाले को कुछ हम लोग भी तो कैश करें। तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल? अरे यही तो हमारा धंधा है, जिसमें फंस जाता हर बंदा है। जिस तरह से वो दोनों प्यारे हमारे जाल में फंस गए, वैसे ही तुम और तुम्हारी वो मैडम, क्या नाम है उसका? सीसी चंद्रमुखी चौटाला। खुद को बहुत होशियार औरत समझती है, लेकिन वो भी हमारा कुछ नहीं कर पाई। चंद्रमुखी चौटाला एक ऐसी शेरनी का नाम से, जिसके पंजे से बच निकलना मुश्किल ही ना मुमकिन से। तुम लोगों ने क्या समझा था? मम्मी जी को कुछ पता ही नहीं है? मम्मी जी तो इस केस के बारे में पहले ही पता कर चुकी थी। मैडम, आज तक हमने कोई कच्चा काम नहीं किया, लेकिन इस बार कच्चा काम करके हम गच्छा खा गए। इन दोनों का यही धंधा है। जब हम इनसे मिलने गए तो इन्होंने इसी तरह हमारी फोटो खींची और हमें ब्लैकमेल करने लगे। मैडम हम उसूल के पक्के हैं, लेकिन इस बार हमारे उसूल के बदले इन्होंने हमसे पैसे वसूल किए हैं। अरे उस दिन जब तुम दोनों न कुर्बानी के बकरे बने बैठे थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि मैटर जितना सिंपल दिखे उतना सिंपल है कोई ना। और इस छोरी की तो शकल देख के कोई भी बता सके है कि वो लेटर के पीछे की इंटेलिजेंस इसकी तो कोई है ना, बल्कि किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट से। फिर मैंने एक प्लान बनाया और मासूम गुलगुले को यूज करा। सॉरी बेटा, इफ तुम दोनों का बैंड बज गया है, पोल खुल गई है, यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम प्लीज, आई एम सॉरी मैडम। बाल को गले में टायर बना के अंदर डाल दो। चलो ए, सॉरी मैडम। अरे डाल दो, ला मार दूंगा, कोई आगे नहीं आएगा, मार दूंगा। कम ऑन चालू, शूट मार। मैडम दाग गोली, शूट चला गोली। गोली चलाने के लिए ट्रिगर की कोई ना जिगर की जरूरत हो, वह समझा तू? गोली ऐसे ना चलती, गोली चलती है ऐसे। मम्मी जी क्या कर दिया? मैडम आपने ये क्या किया, ये बेचारा। ओहो पेशेंस माय चाइल्ड, भाई थाना से गोली गाली तो चलती रहे।